Hello everyone. Now that NABARD phase 1 is over, we all have a tendency to take a break and chill out for a while. But war abhi one third hi hua hai. Aadha bhi nahi hua hai, one third hi hua hai. Next one third war ko complete karne ke liye, agle 30 din, for the next 30 days, you have to focus on giving out your best. 30 din ki baat hai, uske baad fir ek chota sa break lenge and then we shall start our preparation for the last one third portion, that is the interview. ये मत सोचिए कि ये तो क्वालिफाइंग है, पेपर फेज टू की ज़्यादा वैल्यू है तो शायद 50% होगा. लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दोज थिंग्स. वन थर्ड हुआ है, वन थर्ड नेक्स्ट स्टेप है और उसके बाद लास्ट वन थर्ड हमें फेज टू के बाद देखना है. तो अभी जो वन थर्ड बचा है, विच इज़ फेज टू एग्जामिनेशन, वट शुड बी आर स्ट्रैटेजी, वट शुड बी आर टाइम टेबल, वट आर द थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड टू मेक श्योर दैट वी डोंट एंड अप मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. हर एक एग्जाम, हर एक साल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट होते हैं. यू कैन बी वन ऑफ दैट स्टूडेंट गिवन दैट यू टेक केयर ऑफ द बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड बिफोर एनी एग्जामिनेशन. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट 30 डेज टाइम टेबल, 30 डेज स्ट्रैटेजी. अगले 30 दिन में आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वट आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड टू मेक श्योर दैट यू डोंट एंड अप committing a mistake and you don't regret later. Start करते हैं. सबसे पहले मैं discuss करना चाहूँगा कि हमें I want to discuss what all do we need to cover, what all things do we have to actually cover. एक उसका idea होना चाहिए. Only then we will be able to get into how to cover it and how not to cover it. The first portion that you need to take care of is current affairs. Second portion is syllabus and the third portion is test. You can divide your entire रिविजन टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट 30 डेज इन टू दीज थ्री पोर्शन ओनली. इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है. नाउ आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट यू गैज आर स्मार्ट एंड यू गैज हैव रेड थरली फॉर फेज वन, विच मीन्स फॉर मेजोरिटी ऑफ करेंट अफेयर्स यू वुड ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड. अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो आप मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स वुड हैव बीन कवर्ड बाई यू इन एडवांस. अब हम इसको रिवाइज करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे रिवाइज करना. सेकेंड इज सिलेबस which includes ESI and ART syllabus. I am also assuming because this was merit section in phase 1, therefore I have to assume that you have thoroughly prepared this. Ek bar at least aapne padha hai. And then tests which include English test, objective mocks and descriptive or answer writing mocks. Iska bhi ek timetable main aapko bataunga. How do you take care of this as well? Okay, so now having understood division into 3s 3, let's pick them up one by one and then I will tell you ki har ek mein kya karna hai, kya nahi karna hai. I want to start with test instead of starting with the syllabus of current affairs. Now test can be divided into three major portions. First is ESI and ARD objective test. Second is ESI and ARD descriptive or answer writing test. And third is English essay writing or English descriptive writing test. Ye teen type ke test aapko likhne hain agle 30 dinon mein. इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. लेट्स कम टू टेस्ट फर्स्ट. मैं टेस्ट की डेप्थ में घुस रहा हूं, देन आई विल कम बैक टू सिलेबस एंड करंट अफेयर्स एज वेल. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द टेस्ट फर्स्ट. आई विल कम बैक टू द सिलेबस एंड करंट अफेयर्स अगेन. टेस्ट में वी डिवाइडेड आवर टेस्ट इनटू थ्री पार्ट्स, ऑब्जेक्टिव ESI ARD, आंसर राइटिंग ESI ARD एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंग्लिश. ठीक है, एवरी थ्री डेज मंडे ट्यूजडे वेंसडे, तीन दिन के बाद थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर उसके बाद मंडे. आफ्टर एवरी थ्री डेज इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड एन एंटायर डे ओनली ऑन टेस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जाम क्लियर करना. उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस. प्रैक्टिस कैसे होगी, वेन यू आर सीरियसली टेकिंग मॉक टेस्ट. अब वो सीरियसली हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर Not only taking mock test, but you're seriously taking mock test. उसको समझ लेते हैं. So first thing was, after every three days, one day has to be kept for mocks. चाहे कितना ही आप under prepared हो, कितना ही over prepared हो, it doesn't matter. आपने एक timetable बनाया, you have to stick with it. And that stickiness here is one day complete only for test after every three days, starting from today onwards. Don't wait for the next 10 days ki pehle sara revise kar leta hun, then I'll start with the test. No, you've done enough, you've read enough, you've revised enough.
Now you are going to make sure that after every 3 days, you're writing at least one test. Okay, at least one day. जिसमें आपको तीनों के ही टेस्ट लिखने हैं. तीनों के टेस्ट कैसे लिख पाओगे विदाउट गेटिंग बर्नट आउट? लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. ऑब्जेक्टिव का सबसे पहले टेस्ट लिखोगे मॉर्निंग 7 to 7:30 AM. इट कैन बी 6 to 6:30, इट कैन बी 8 to 8:30, कुछ भी हो सकता है. डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स, आपका जो भी तरीका है पढ़ने का. आधे घंटे का मॉक टेस्ट लिखो आराम से. आधे घंटे में 30 क्वेश्चंस करो ऑब्जेक्टिव के. एंड देन यू रेस्ट, टेक अ गुड रेस्ट फॉर 1 आवर. आराम से 1 घंटे का रेस्ट लो. यू डोंट हैव टू बी इन एनी हरी. आफ्टर दैट यू टेक अनदर 90 मिनट्स सेशन. एंड इन दीज 90 मिनट्स यू टेक ESI एंड ARD आंसर राइटिंग टेस्ट. इसमें यहाँ पे आराम से आप 4 क्वेश्चन उठाओ और चारों को सॉल्व करो. इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप 6 एंड फाइंडिंग 4 out of those एंड देन सॉल्विंग दोज, यू जस्ट पिक अप 4. अज्यूम की कंपल्सरी है चारों के चारों एंड आई हैव टू राइट ऑल द 4 answers. डू दैट फॉर 90 मिनट्स एंड देन टेक अ गुड रेस्ट ऑफ 2 आवर्स. आसान नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. योर ब्रेन विल गेट यूज टू इट. And ultimately, you have to do this in the final day of the examination. Then why not do this now itself? Abhi se karna zaruri hai so that you get used to it. So repeat karta hun. 30 minutes ka pehle ek slot where you take up 30 objective questions. Then you take a good break for 1 hour. Aram se so jao, kuch khalo. And then you another 90 minute slot where you write 4 questions answers of ESI and ARD. And then you take another good rest for 2 hours. उसके बाद अनदर सेशन ऑफ 90 मिनट्स जहाँ पे आप एक इंग्लिश का टेस्ट लिखोगे कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें एस्से, प्रेसी, आरसी, लेटर जो भी आपको टेस्ट में मिलेगा आप सब कुछ करोगे. देन यू टेक अनदर रेस्ट फॉर 2 आवर्स. ठीक है ना. अब आपके पास 1:30 बजे था, 1:30 plus 2 घंटा, इट्स 3:30 ऑलरेडी. आई एम अज्यूमिंग दैट यू गोइंग टू टेक अ मोर लॉन्गेस्ट रेस्ट. यू आर ऑलरेडी टायर्ड बाय नाउ बट द वर्क इज नॉट ओवर. द वर्क इज ओनली हाफ फिनिश्ड. अब रिमेनिंग हाफ शुरू होगा जिसमें आप 5 घंटे का एक स्लॉट लगाओगे, 5 आवर्स का स्लॉट, लंबा स्लॉट, वेर यू हैव टू एनालाइज ऑल दीज 3 मॉक्स. तीनों अच्छे से बैठ के एनालाइज करोगे, खुद एनालाइज करोगे. यू विल नॉट वेट फॉर एनीवन एल्स टू टेल यू ये सही है ये गलत है. यू गो थ्रू योर ओन आंसर्स एंड ट्राई एंड फिगर आउट. हो सकता है कहीं पे फिगर आउट हो पाएगा, समवेयर इट माइट नॉट वर्क, बट अल्टीमेटली यू विल लर्न समथिंग न्यू. ऑब्जेक्टिव तो आराम से कर लोगे, इंग्लिश भी बहुत आसान होता है करना. डिस्क्रिप्टिव में एफर्ट लग सकता है आंसर राइटिंग में, बट एटलीस्ट डू समथिंग इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समबडी टू टेल यू ये सही था ये गलत था. यू डू इट योरसेल्फ. दिस हैज टू बी डन एवरी 4th day, दैट इज आफ्टर एवरी 3 days. 1 day हैज टू बी केप्ट फॉर दिस. नो मैटर हाउ अंडर प्रिपेयर्ड, ओवर प्रिपेयर्ड यू आर, यू हैव टू डू दिस. देर इज नो रनिंग अराउंड दिस. ओके, तो ये हमारा पूरा हो गया टेस्ट वाला, इसको हम हटा देते हैं. अब हमारा आता है 2nd, विच इज करेंट अफेयर्स एंड सिलेबस. ये 2 बचे हैं हमारे पास, कैसे डील करना है और कितना समय देना है, दैट इज अ क्वेश्चन. सबसे पहले लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट ऑल डू वी हैव टू फोकस ऑन इन करंट अफेयर्स. सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनुअल रिपोर्ट्स एंड सर्वेज 2nd importance, इंडेसेस, GDP फोरकास्ट 3rd importance. और ये सारे डेली वाले नहीं हैं, ये ऐसे हैं कि एक बार हमने आपको कवर करके दे दिए. नाउ यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम, रिवाइज देम, मेमोराइज देम. PIB करंट, I am assuming that you must have covered at least for 6 months. So, pehle you have to revise that 6 months and then try and cover the previous 6 months if you get time. This is the max. 1 year is the max, but if you've covered 6 months, that is also decent enough. Economic survey and budget, and then spotlight. Spotlight, 3 months at least. If you have covered more, then you revise whatever you've covered. If you've not covered more, to 3 mahine to at least aapko revise karna hai, minimum. Okay. सिलेबस में ESI का सिलेबस है, ARD का सिलेबस है, दैट आई एम अज्यूमिंग यू ऑलरेडी कवर्ड, वी हैव टू जस्ट रिवाइज इट. एंड एसेज के बकेट विद फैक्ट्स, 50 essays का बकेट आपके पास होना चाहिए. मैंने कोर्स में भी डाला हुआ है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. नहीं है तो आराम से खुद बैठ के भी आराम से एसेज सोचोगे तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही, विद रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स ही आपको 20-30 essays ऑनलाइन ईजिली मिल जाएंगे. यू कैन यूज दोज टू स्टार्ट writing some facts, writing some arguments for essays. ये आपको create करना है. This all has to be done in current affairs and syllabus. Let's come to how do you break down your current affairs. 3 दिन हमारे पास time है, 3 days. After that 1 day is for test.
Then after that, we have another 3 days. Then again, 1 day for test. So if we do it 10 times, that means we have about 20 days to cover the syllabus of current affairs and the syllabus portion, static portion. And about 10 days, we are spending on test. इतना हमारे पास टाइम. अब ये 10 डेज तो टेस्ट का टाइम है, ये तो पूरा हमने यूज कर लिया. वी डोंट हैव एनी मिनट फॉर इन दीज 10 डेज. वी हैव दीज 20 डेज वेयर वी हैव टू कवर करंट अफेयर्स आल्सो एंड द सिलेबस पोर्शन. अब हमें कैसे करना है, लेट मी टेल यू दैट आल्सो. स्कीम्स 3 दिन में 2 बार आप आराम से कर सकते हो. 3 दिन में आपने फर्स्ट टाइम की और उसको 2 बार करना है तो टोटल 5 डेज आपका स्कीम ले जाएगी. Now this doesn't mean that you're spending an entire day of schemes. I'm assuming that, या फिर आपको ये करना भी पड़ेगा कि आपने मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का स्लॉट बनाया एक और एक इवनिंग का स्लॉट बनाया. ओके, मॉर्निंग से आफ्टरनून का स्लॉट लेट्स से 5-6 आवर्स एंड अगेन 5 आवर्स. इन 5 घंटे में आप खाली स्कीम्स पढ़ रहे हो. यू मस्ट हैव ऑलरेडी रेड स्कीम्स बिफोर फेज 1. यू हैव टू रिवाइज मेजोरिटी ऑफ दोज. तो आपने 2 बार रिवाइज करना है, 1 बार रिवाइज नहीं करना है, 2 बार रिवाइज करना है. पहला रिवीजन 3 दिन में हुआ, दूसरा रिवीजन, सेकंड रिवीजन 2 दिन में हुआ. ओके, यू कैन आल्सो ब्रेक इट डाउन. लेट्स से मैंने खाली पहला रिवीजन किया तो 3 डेज आई एम स्पेंडिंग ओनली द मॉर्निंग पार्ट. ओके, देन पीआईबी करंट 6 मंथ्स टू 1 ईयर डिपेंड्स अपॉन जो भी आपने अभी तक पढ़ा है. तो लेट्स से मैंने आफ्टरनून में पीआईबी उठा लिया, पीआईबी 7 डेज. ओके, 7 डेज में मैंने 1 बार पूरा कवर किया और सेकेंड टाइम जब मैं कवर करूंगा तो आई विल टेक लेसर टाइम 3-4 डेज. तो इस तरह से मैंने ये डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया. नाउ आई एम डन विद स्कीम्स इन 3 डेज बट आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद पीआईबी दैट आई एम एक्सपेक्टिंग 7 दिन में हो जाएगा. सो आई पिक अप द नेक्स्ट पार्ट विच इज एनुअल रिपोर्ट्स. ऐसे ही एनुअल रिपोर्ट्स को 2 बार रिवाइज करोगे, पहले 1 बार, फिर सारा जब खत्म हो जाएगा यू रिपीट द साइकिल. 1 बार रिविजन 2 दिन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए. इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट इट्स वेरी स्मॉल कंपेरेटिवली, बहुत बार पढ़ भी चुके हो. आरबीआई की तैयारी भी कर रहे होगे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो वहां भी पढ़ लिया होगा. 1 डे यू कैन कवर द एंटायर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट इफ यू स्पेंड 5-6 आवर्स ऑन इट. ओके, इंडस्ट्रीज एंड जीडीपी फोरकास्ट 1 डे विल बी मोर देन एनफ, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है. स्पॉटलाइट यू डो नॉट हैव टू कवर द एंटायर स्पॉटलाइट. आपको कुछ स्पेसिफिक पोर्शन ही उठाने हैं स्पॉटलाइट के एंड दैट टू रिविजन बिकॉज यू मस्ट हैव कवर्ड स्पॉटलाइट बिफोर फेज 1. उसमें क्या क्या उठाओगे, नेशनल इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट स्कीम्स क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने लगे हैं, जीडीपी के नंबर्स, इंपॉर्टेंट डेज इज लेस इंपॉर्टेंट, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से, चांसेस होते हैं. बैंकिंग रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नॉट हार्ड कोर बैंकिंग बट बैंकिंग रिलेटेड टू इकोनॉमी समहाउ और रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एंड ऑटोमेटिकली उसका नंबर भी कम हो जाता है. तो पूरी स्पॉटलाइट अगर 200 पेज की है तो वो कम होके 100 पेज की आपके लिए बचेगी फॉर फेज 2. ओके, ट्राई एंड डू इट फॉर 6 मंथ्स. इफ यू हैव डन इट ओनली फॉर 3 मंथ्स बिफोर फेज 1 देन डू इट फॉर 3 मंथ्स ओनली. जबरदस्ती अपना काम ना बढ़ाएं, उसी को रिवाइज करें तो बेटर है. रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन. इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग देन देयर इज लेस होप बट आई एम अज्यूमिंग कि आप ऐसे नहीं हो. यू आर सीरियस स्टूडेंट हुज कवर्ड सम थिंग्स बिफोर फेज 1 एंड गॉन एंड टेकन सीरियसली. तो 3 महीने कवर किया है स्पॉटलाइट देन रिवाइज 3 मंथ्स. पी आई बी इफ यू डन इट फॉर 6 मंथ्स रिवाइज 6 मंथ्स एट दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल. ये आपको करना है करंट अफेयर्स के अंदर और इतना समय इसमें लगना चाहिए. अब आ जाता है सिलेबस पार्ट. सिलेबस पार्ट बिकॉज वी हैड अबाउट 20 डेज एंड वी आर स्पेंडिंग यू नो हाफ द डे ऑन करंट अफेयर्स, वॉट वी कैन ऑल्सो डू इज मॉर्निंग on current affairs and evening slot which is again 5 hours on the syllabus. इससे क्या होता है, बहुत अच्छा balance create हो जाता है. You're covering both current affairs as well as syllabus simultaneously. After in about 10 days you should be done with the entire syllabus and current affairs revision. उसके बाद second cycle start कर सकते हो revision. ठीक है, ESI syllabus maximum 5-7 दिन में आपका revision हो जाना चाहिए. Some students are able to take lesser time also because ESI एक बार समझ आ गया तो revision does not take a lot of time. Now we have to make sure that we are going to write objective as well as descriptive, you know, tests here. Therefore, you do not have to just understand the concepts when you are revising.
यू हैव टू मेमोराइज पॉइंट्स एज वेल, क्योंकि वहां आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, आंसर राइटिंग में पॉइंट्स मेमोराइज होंगे, तभी वहां पे लिख पाओगे, अदरवाइज यू विल एंड अप राइटिंग बेसिक पॉइंट्स ओनली। ठीक है, तो ESI सिलेबस 5 से 7 दिन में रिविजन, ARD सिलेबस 7 से 10 दिन में रिविजन। आई थिंक ये अराउंड 4 डेज में ESI हो जाना चाहिए, अराउंड 6 दिन में आपका ARD हो जाना चाहिए। और जो बकेट ऑफ essays है, दिस यू कैन कवर along with when you are writing your essays। आपने एक टेस्ट लिखा, उसमें 3 essays थे, वो 3 essay आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। ऐसे ही 10 टेस्ट लिखोगे तो 30 essays तो ईजिली यहीं से हो गए, बाकी टाइम मिलेगा तो 8-10 essays और उठा सकते हो। दैट विल डू द जॉब, मेजोरिटी जॉब आपकी वहां से खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सिलेबस पार्ट, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने अभी तक कवर कर लिया कि करंट अफेयर्स, हाउ मच टाइम एंड हाउ डू यू एलोकेट योर टाइम, मॉर्निंग स्लॉट में कितना टाइम देना है, कितने दिन में खत्म करना है। ऐसे ही सिलेबस में हाउ डू यू एलोकेट योर टाइम, कितने समय में और कौन से स्लॉट में आप खत्म कर सकते हो, एंड हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द टेस्ट पार्ट। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि 30 दिन में एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है कि 19 नवंबर के आसपास वी विल हैव द एग्जामिनेशन। इफ दैट हैपन्स यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज इट एटलीस्ट वंस, इफ पॉसिबल 2 बार भी रिवाइज कर सकते हो अगर स्पीड आपकी अच्छी है। अगर 1 महीने से ऊपर जाता है, यू डू नॉट हैव टू स्टॉप, यू हैव टू कीप रिवाइजिंग। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना बेटर होगा। जैसे ही 30 दिन से ऊपर जाता है, यू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट रिवाइजिंग इट अगेन। सिलेक्शन स्टूडेंट्स का उन्हीं का होगा हु आर एबल टू रिवाइज द सेम कॉन्टेंट मल्टीपल टाइम्स, रादर देन दो स्टूडेंट्स हु कीप रीडिंग न्यू थिंग्स। अब गेम खाली रिविजन का है, अब गेम खाली मेमोराइजेशन का है, और उस मेमोराइजेशन को वहां पे रेप्लीकेट करना है एग्जाम में। दैट्स व्हाट, दैट्स गोना डू योर जॉब। Okay, so this is all about today's session. I hope it was useful. Koi doubt hai to you can ask me in the comment section below. I will try and answer it as soon as possible. You can also go to my website anujindal.in. Logo yahan pe dikh raha hai aap logo ko. Wahan pe phone number bhi hai. You can talk to my counselors. Koi bhi doubt hai, koi bhi issues hai, you can reach out to them and they will try and solve it as fast as possible. Okay, I'll see you again very soon with more such videos and ideas for the upcoming NABARD examination, और RBI का भी कुछ टाइम में आ जाएगा, उसकी भी हम बात करेंगे कुछ समय में। All the best, take care, study hard.